2023 ब्राइडल लहंगा ट्रेंड का ये पार्ट टू है सीरीज का। पार्ट वन सीरीज यहां लिंक दे रहा हूं, वहां पर हमने नीता लुल्ला के लेटेस्ट लहंगे कलेक्शन के बारे में बात की थी। यहां पर हम मनीष मल्होत्रा के लेटेस्ट ब्राइडल कुतुर वीक 2023-24 में जो उन्होंने अपना कलेक्शन लॉन्च किया उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कलर्स कौन कौन से हैं, बात करेंगे पैटर्न्स उन्होंने कौन कौन से निकाले, ज्वेलरी कॉम्बिनेशंस क्या क्या निकाला, सिल्वेट क्या क्या निकाले, सबके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग अपनी शादी में इस सीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। में मनीष मल्होत्रा ने अपने ब्राइडल कुतुर वीक में क्या किया। सबसे पहले मनीष मल्होत्रा का दो डेकेड्स के बाद उन्होंने अपना मनीष मल्होत्रा का लोगो लॉन्च किया है। इंस्पायरिंग है, थोड़ा सा अमेजिंग भी है, मतलब सरप्राइजिंग भी है। सेकंड शो स्टॉपर्स थे रणवीर और आलिया, रणवीर सिंह एंड आलिया। ओके, नाउ दैट असाइड, अब बात करते हैं कि लहंगे कलेक्शन में, ब्राइडल कलेक्शन में, ग्रूम्स कलेक्शन में क्या खास बातें थी। सबसे पहला पॉइंट है मेटालिक वर्क बहुत ज्यादा देखने को मिला। आपको सिल्वर में, गोल्डन जरी में, इस तरह के काफी मेटालिक वर्क्स देखने को मिले। मनीष मल्होत्रा ने काफी कुछ अपने कलेक्शन में डाला है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। नीता लुल्ला ने भी अपने कलेक्शन के 20% ऑफ द हिस्से में मेटालिक्स का बहुत इस्तेमाल किया है, तो आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है पर्ल वर्क। ड्रेसेस में भी बहुत पर्ल का काम भर भर के देखने को मिला। जो सेलिब्रिटीज रैंप वॉक नहीं कर रहे थे बट मनीष मल्होत्रा के अटायर में ही वहां बैठे हुए थे, सच एज दीपिका पादुकोण, उन लोगों ने भी पर्ल्स अपने ड्रेसेस में भी और अपनी ज्वेलरी में भी बहुत इस्तेमाल की थी। तो लुक आउट फॉर पर्ल। बेसिकली मैंने उनका पूरा का पूरा शो देखा 1.5 घंटे का, और उसमें से अलग अलग पॉइंट्स नोट करके मैं आपको बता रहा हूं। सो इसलिए रैंडम पॉइंट्स चलेंगे, कभी ज्वेलरी की बात आएगी, कभी ड्रेस की बात आएगी, कभी सिल्वर की बात आएगी, कभी ग्रूम्स की बात आएगी, कभी कलर्स की बात आएगी। बट उससे पहले आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, dazzlesjewelry.in पे जाइए, वहां पे 10,000 से भी ज्यादा ज्वेलरी है। आप लोगों को पता है हम लोग सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी और ज्वेलरी में डील करते हैं। अपने सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व कीजिए कि ज्वेलरी मैचिंग की कैसे जाए, आपकी उम्र के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, साड़ी के हिसाब से, लहंगे के हिसाब से, अंडरटोन के हिसाब से, फेस शेप, बॉडी शेप। वहां चैट बटन है, चैट बटन दबाइए, डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी समस्या सॉल्व करूंगा, आपको गाइड करूंगा ताकि आप जो खरीदें एटलीस्ट वो बेस्ट क्वालिटी का और आपको मोस्ट ब्यूटीफुल दिखाए। बैक टू द टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो। ज्वेलरी में इन्होंने ब्लैक और व्हाइट दोनों में ही ग्रीन कलर की कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। जब ब्लैक कलर का पूरा टायर पहन के मॉडल्स वॉक कर रहे थे, या फिर व्हाइट कलर एंड व्हाइट एंड ब्लैक, या फिर उसी तरह के ग्रे स्टोन में वॉक कर रहे, तो भी ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट बहुत देखने को मिला। क्योंकि इनके ड्रेसेस में और इनके लहंगों में बहुत सारा मेटालिक्स का काम था, तो इन्होंने एज अ ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी को बहुत पुश किया है। डायमंड ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला, लाइक 80% ऑफ हिज कलेक्शन वॉज इन डायमंड्स ओनली। उसमें इन्होंने ब्राइडल में जब आया तो लेयरिंग करी थी, ऊपर के नेकलेसेस को बहुत हैवी नहीं रखा था, बट उसमें जनरली रूबी और एमरल्ड का ही काम था। साड़ी लहंगों के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग जो देखने को मिला वो था पेपलम टॉप प्लस शरारा का लुक। तो ये जो कि आप ब्राइड्स बेस्ट फ्रेंड, ब्राइड्स मेड बन के जा रहे हैं, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन हो सकता है। सबसे ज्यादा नेकलाइन जो इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो है ऑफ शोल्डर, स्वीट हार्ट नेकलाइन एंड हॉल्टर नेक। यस, हॉल्टर नेक का बहुत सारे वेरिएशन भी हमें देखने को मिले, तो वो भी यू कैन वॉच आउट फॉर। मैंने लास्ट एडिशन में भी आपको बताया था, जो फर्स्ट एपिसोड था हमारे ब्राइडल लहंगे का, नीता लुल्ला ने ब्लाउज में किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस सीजन में। तो आप कहीं पर भी रहते हो इंडिया में, किसी भी शहर में हो, आपकी बजट आपको जितना भी अलाउ करते हो, बट अपने ब्लाउज में डिफरेंट तरह के सिल्वेट्स एंड पैटर्न्स जरूर आप लेके आ सकते हो। अगर हम वर्क की बात करें तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि नीता लुल्ला ने तो बहुत ही फाइन वर्क्स का इस्तेमाल किया था, यहीं पर मनीष मल्होत्रा ऑपोजिट में जा रहे हैं और बिग प्रिंट्स एंड बिग मोटिव्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ और सिर्फ लेडीज साड़ीज एंड लहंगे में ही नहीं, मेंस का जो उन्होंने ग्रूम कलेक्शन और बेस्ट मैन कलेक्शन जो निकाला उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी का काम था। तो आप में से कौन से लोग हैं जो बड़े बड़े प्रिंट्स एंड मोटिव इस बार अपनाने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब बात कुछ ज्वेलरी की कर लेते हैं। ज्वेलरी में इन्होंने नेकलेसेस का इस्तेमाल किया बहुत लाइट, अगर लेयरिंग करी भी तो बस एक आध बार करी, वो भी बहुत लाइट ऊपर का नेकलेस एंड लॉन्ग नेकलेस। अगर इन्होंने सिर्फ एक कलेक्शन ऐसा दिखाया जहां पर नेकलेस ऊपर वाला हैवी है तो इयररिंग गायब। इन्होंने ओवरऑल लुक जो है मिनिमल रखने की कोशिश की है।
इयररिंग पे खास तवज्जो नहीं दी गई है। जब हॉल्टर नेक्स पहनाया है तभी इन्होंने इयररिंग को लॉन्ग रखा है, अदरवाइज नेकलेसेस और चोकर्स के साथ तो इन्होंने इयररिंग गायब ही कर दी है। मांग टीका, हेड गेयर, शीश पट्टी, शीश फूल, इन पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। तो अगर आप इस तरह का ब्राइडल लुक लेने वाले हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, पढ़ने में इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। जो ओवरऑल कलर्स इन्होंने लहंगे में इंट्रोड्यूस किए हैं वो है व्हाइट, ब्लैक, बेज, ब्राउन, धानी ग्रीन, धानी येल्लो एंड ग्रे, शायद मैं ग्रे बोल चुका हूँ, चारकोल ग्रे। तो ये सारे कलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने। मोस्टली आलिया ने जो पहना वो एक शो स्टॉपर का खाली ड्रेस था, बट जो मोस्ट कलेक्शन है वो इन्हीं कलर्स के अराउंड घूमता है। यानी कि इस बार इन्होंने अपने ब्राइडल लहंगे में कोई भी डार्क चटक जो रंग होते हैं वो एक भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। रेड तो आप भूल जाइए, ग्रीन भी ऑलमोस्ट निल देखने को मिला मुझे। कोई भी ब्राइट कलर्स यानी पेस्टल शेड्स में भी बहुत एक शायद मॉडल ने वॉक किया जिसमें बहुत ही, वो भी पेस्टल नहीं कहूंगा मैं उसको, बट पेस्टल शेड्स गायब थे। इंडियन ट्रेडिशनल रिच कलर्स भी गायब थे, तो इन्होंने इस तरीके के अर्दी शेड्स को इस बार लॉन्च किया है। सो मुझे आप बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा रहेगा इस सीजन। बात करते हैं आलिया भट्ट के लुक की, जो शो स्टॉपर रही हैं। उन्होंने ज्वेलरी में आप देखिए सिर्फ दो लाइन के नेकलेस पहनी है। यस, बड़े बड़े पोलकीज हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं वो रियल में बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो आप आर्टिफिशियल में इस तरह का पहनने का सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे मुझे बताइएगा जरूर। बहुत ही नया सा कलर इंट्रोड्यूस किया है, मिंट ग्रीन भी नहीं कहेंगे, शायद सी ग्रीन की तरफ है। थोड़ा सा ट्रॉपिकल लुक देता है ये, पुलकी बेस्ड है। और बाकी आपने देखा ही, हैंड में कोई ज्वेलरी नहीं, मांग टीका नहीं, कान में कुछ नहीं शायद। तो ये जज करने के लिए मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या आप इससे कितनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप कितना खाली इसको देखने के लिए देखते हैं। तो ये था एपिसोड नंबर 2, जहां पर मैंने आपको मनीष मल्होत्रा के सारे डिजाइन दिखाए, बहुत सारे इमेजेस दिखाए आपको। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि क्या सिल्वेट्स ट्रेंड में है, क्या कलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। आपको सबसे अच्छा इसमें से कौन सा इंस्पायरिंग लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इंडिया का इकलौता हिंदी का चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी एंड स्टाइलिंग फोकस्ड है। बाकी जितने भी चैनल्स हैं वो सब कुछ ही कर रहे हैं, वो ज्वेलरी भी करते हैं, हॉल भी करते हैं, मीशो हॉल भी, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सो दिस इज अ फोकस चैनल, सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज अ रीजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। लिस्ट थोड़ी लंबी है सजेशंस की, बट आई एम श्योरली कमिंग टू इट, डोंट वरी। तो बट आपका सब्सक्राइबर होना जरूरी है, अदरवाइज आई वोंट पे अटेंशन ऑफ कोर्स। मेरे को अपनी फैमिली मेंबर्स का ज्यादा ध्यान रखना है ना। सो मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्र साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।